नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। आपने पहले आपने देखा होगा वीडियो जिसमें सर के साथ हम एक्टर्स बैठे हुए थे, लेकिन इस बार टीम थोड़ी डिफरेंट है। इस बार माधुरी टॉकीज में जो बाकी के लोग हैं वो आज जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो सर, मैं चाहूंगा कि आप इन सबका परिचय करवाएं। तो सबसे पहले विजय हैं, माधुरी टॉकीज को हम तीन लोगों ने लिखा मिलके, मैं था उसमें और अविनाश और विजय। अविनाश आज नहीं है, वो व्यस्त थे, थोड़े आ नहीं पाए। और ये हमारे राजेश पांडे जी हैं, एडिटर हैं इस सीरीज के, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं। तो इन्होंने माधुरी टॉकीज को बहुत अच्छे से एडिट किया। उधर हमारे DOP हैं पवन गुप्ता, नमस्कार। और एक और हमारे एक्चुअली दो DOP थे, मोहन नायडू साहब। मोहन जी की आज कोई शूटिंग है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए, तो मोहन जी और पवन जी ने जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो सब इनकी वजह से दिख रहा है। क्या बात है। तो ये सारी टीम है, आपने देखा, आपने जैसा ने बताया कि कैमरामैन साहब बैठे हैं, एडिटर साहब बैठे हैं, और जो राइटिंग में जुड़े हुए थे विजय भाई वो भी यहाँ बैठे हैं। और सर तो खैर राइटिंग में थे ही, और सर तो मतलब डायरेक्शन में क्या, प्रोडक्शन में क्या, मतलब राइटिंग में सर क्या चाहते हो, मतलब क्या सारे, मतलब सारी चीजें आप ही करोगे, मतलब ऐसा क्या सर? नहीं नहीं, हम सब टीम में बहुत लोग हैं, मैं अकेला ही नहीं हूँ। हर डिपार्टमेंट की टीम है, हर डिपार्टमेंट का एक HOD है, वो सब मिलकर काम करते हैं। ग्रेट सर। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं पवन भाई की से। पवन भाई, इससे पहले आपने वेब सीरीज की है? नहीं, ये आपकी पहली वेब सीरीज। पहली वेब सीरीज सर। मैंने देखा इसमें काफी लोग नए थे इस सीरीज में जुड़े, एक्टर्स भी काफी नए थे। इनफैक्ट मैं अभी जान रहा हूँ कि पवन भाई पहली वेब सीरीज, मेरी भी पहली वेब सीरीज, तो आपकी भी पहली वेब सीरीज। और आप सबको मैं बता दूं, मेरी भी पहली। अच्छा, ये एज प्रोड्यूसर और एज डायरेक्टर ये मेरी पहली वेब सीरीज है, मतलब हमने डिजिटल वाली दुनिया में अभी कदम रखा है। पहली बार। तो सर ये कोई जानबूझकर आपने ऐसा किया कि मैं सबको, सब नए लोगों को इकट्ठा करना है, मतलब कोई कारण था इसके पीछे? ऐसा कोई कारण नहीं था, ये हमारी टीम है और हम मतलब अब से नहीं, सालों से एक साथ है। पांडे जी हमारे साथ मतलब सालों से जुड़े हैं, मेरे ख्याल से 10-15 साल से पांडे जी से एसोसिएशन है हमारा। जो भी मैं करता हूँ पांडे जी एडिट करते हैं। पवन मेरे साथ बहुत दिनों से, महाकुंभ से भी पहले से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय इसके अलावा 2-3 प्रोजेक्ट हमारे साथ कर रहे हैं, विजय और अविनाश। तो हमारी जो टीम है, जो हमारे जो मुझे परिवार जैसे लगते हैं, जो मुझे समझते हैं और जिनको मैं समझता हूँ, उन लोगों के साथ मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मुझे भी समझते हैं इसलिए मुझे काम दिया। बिल्कुल सही बात। टीम के साथ साथ सर हमारे गुरु भी हैं और फादर भी हैं। और सब कुछ हमारे लिए। क्या बात है पवन भाई, जैसे आपने बताया पहली वेब सीरीज, तो कितना फर्क लगा आपको, क्योंकि आपने सीरियल्स किए हैं, इनफैक्ट काफी काम किया आपने, तो वेब सीरीज और बाकी जो काम थे उसमें कितना फर्क नजर आया? फर्क तो खैर काफी नजर आया, क्योंकि टीवी शो का अलग एक एक्सपीरियंस है और वेब सीरीज का एक अपना अलग ही है। और आप तो थे ही वहाँ पे, आपने देखा ही कि वहाँ का टेम्परेचर क्या था। बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी क्या था, कैसे किस माहौल में हमने शूट किया काफी। तो सर तो क्या था कंडीशन, कैसा आपने तो देखा ही है। तो मतलब फर्क, मैं फर्क जानना चाह रहा हूँ, एज कैमरामैन क्या फर्क नजर आया आपको? एज कैमरामैन फर्क काफी मतलब है चीजें जो वहाँ पे वही तो जानना चाह रहा हूँ मैं। जानना चाहते हूँ आपको, सर ही बताएंगे। मैं बताता हूँ इसमें बेसिक सबसे बड़ा फर्क तो एज डायरेक्टर जो मुझ में आया, जो मैंने पहले भी बताया कि टेलीविजन इतने सालों से हम कर रहे हैं, तो सब लगभग हर चीज़ पर टीवी के अंदाज में ही आप देखने लगते हैं। अब पहले शॉट और सब चीज़ें टीवी के हिसाब से दिमाग में आती हैं, क्योंकि आपको उसका अभ्यास होता है, अनुभव होता है। लेकिन इसमें मैंने प्रयास करके पहले जो 2-3 शॉट मेरे दिमाग में होते थे मैंने कभी नहीं लिए, उस चक्कर में उसका लुक फील अलग हो गया। और सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हमारे फिल्म, टीवी और वेब सीरीज में सबसे बड़ा अंतर ये है, इसी में नहीं किसी भी वेब सीरीज में, कि उसमें आउटडोर बहुत होता है। टेलीविजन में हमारे सेट होते हैं इंडोर शूटिंग, तो जो आउटडोर का एक अलग रस है और जो वो स्क्रीन पे एक लुक फील आता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो पवन और मोहन जी ने सबसे अच्छा काम किया, कि जैसे हमारे सेट पे एक इवन लिट होता है, ब्राइट लिट होता है, सब चेहरे सुंदर दिख रहे होते हैं, सब कुछ दिख रहा होता है, वैसा इसमें नहीं है और ना ही होना चाहिए। बहुत ही रियलिस्टिक लोकेशंस हैं, तो इन्होंने उन रियलिस्टिक लोकेशंस की रियलिटी को बरकरार रखा,
लाइटिंग से, लेंसिंग से, और पूरा उसको जब अपन शूट कर रहे हैं, वो मुझे सबसे बढ़िया बात लगी, जो बहुत बड़ा फर्क जो मुझे, क्या बात, मतलब आपकी बात इस बड़े सर ने बड़े आराम, सर हमारे गुरु हैं और सर को सब पता है। अच्छा अब आते हैं राजेश जी आपके पास, मतलब आपकी पहली वेब सीरीज थी? जी हाँ, मेरी पहली वेब सीरीज। ले ओ कर लो बात। मैं आपको बता दूं राजेश जी के बारे में थोड़ा सा, कि आप जितनी भी संजय लीला भंसाली साहब की फिल्म्स देखते हैं और उनको सब, जितनी भी नहीं मोस्टली तीन चार साल, तो वो राजेश जी ने एडिट किए हैं और माधुरी टॉकीज को भी इन्होंने एडिट किया है। वो मेरा सौभाग्य है क्योंकि मैं सर के साथ, सर की वजह से ही मैं देखा जाए तो संजय जी तक पहुंचा हूं। क्या बात, जरिया वही है। क्या बात, क्योंकि सरस्वती चंद्र उन्होंने डायरेक्ट किया था और मुझे सर ने ही अपॉइंट किया था, उसके बाद संजय जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे अपॉइंट किया, तो जरिया जो है वो सर है, ये हमेशा मैं याद रखता हूँ और मैं ये नहीं भूलता क्योंकि सर आप नहीं हम सब भी याद रखते हैं बात तो कि सर के साथ मेरा रिश्ता जो जुड़ा था वो था जिया जले, एक शो था, वहाँ से मेरा रिश्ता जुड़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर मैंने टीवी में जितना भी काम किया है तो मुझे सर के जैसा अच्छा काम मुझे और कहीं नहीं लगा। क्या बात, क्योंकि वो काम में मज़ा आता है, जिस काम में मुझे मज़ा आता है मैं वो करना चाहता हूँ। सर कितना फ़र्क लगा, इतनी बड़ी बड़ी फिल्म आपने की हैं और अब वेब सीरीज करी, तो क्या फ़र्क नज़र आया एडिट में? फ़र्क ये नज़र आया टीवी के मुकाबले, जो हम टीवी शो जो हम करते थे उसमें सर का जिस हिसाब से टेकिंग या जो भी चीज़ था वो डिफरेंट हुआ, बिकॉज ऑफ वेब सीरीज थोड़ा सा एक्सपैंड ग्राफ होता है, उसमें थोड़ा सा खुल के चीज़ें शॉर्ट्स होते हैं, थोड़े से फिल्म का अंदाज होता है उसमें, हम जो फीचर फिल्म देखते हैं टीवी में, जैसा कि सर ने बताया कि हम एक इंडोर में शूट करते हैं और हम वो टीवी को उसी नज़रिए से देखते हैं, क्लोज 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 क्लोज, तो इसमें क्या चीज़ें खुलती हैं, इसमें एक आपको बड़ा लोकेशंस दिखता है, इसमें कहानी जो है बहुत क्रिस्प होती है, जो आपको खींचती नहीं है, आप खींचते नहीं है कि एक ही हफ्ते आप एक ही दाल चावल में चल रहे हैं, वैसा नहीं है। इसमें क्या एक एपिसोड में के बाद आप अगले एपिसोड में जानने की कोशिश रहती है कि अगला एपिसोड क्या होगा, तो ये वेब सीरीज का डिफरेंस है कि आप 8 एपिसोड में पूरी स्टोरी को जानते हैं, तो एक्टिंग में बड़ा मुश्किल नहीं रहता है क्योंकि वो सब चीज स्क्रीन प्ले वाइज और राइटर्स जो हमारे होते हैं वो इतने कॉम्पैक्ट उसको लिखते हैं और इतने अच्छे से उसको सजाते हैं कि वो एडिट पे और निखर जाता है। क्या अब आते हैं विजय भाई आपके पास, मतलब जी माधुरी टॉकीज तो खैर अब बहुत लोगों ने देख लिया है और भाई जिसने नहीं देखी वो देख लो यार, मतलब एकदम भौकाल मचा रखा भाई हम लोगों ने। हाँ ये बोला जरूरी था सर। हाँ देखो यार देखिए, तो मैं ये जो डायलॉग्स थे ये हर एक इंसान की जुबान में चढ़ रहे हैं, मतलब वो एक मूत निकाल दिया ऐसा कुछ है, मैं गाली दूंगा नहीं लेकिन समझ गए सब लोग है ना, और काफी सारे डायलॉग्स कमाल के थे, तो वो ये क्या सोच, ये कहाँ से दिमाग में आया सब कुछ? तो बनारस पे मैंने पढ़ाई की है 4 साल, तो वहाँ के जो लोग हैं मतलब पहली चीज़ तो कोई इनहिबिशन नहीं रखते अपने अंदर, कोई रोक रुकावट नहीं है, जो मन में आता बोल देते हैं। सही बात है, चाहे प्यार से बोले चाहे गुस्से से बोले, जैसे ही बोलना है बोल देते हैं, तो वही लहजा रखते हुए मैंने सोचा कि फिर ऐसे ही रखते हैं डायलॉग, अगर बनारस में कहानी है वहाँ के कैरेक्टर्स की कहानी है वहाँ के लोगों को दिखाना है तो फिर उसी तरह से डायलॉग रखेंगे जो वहाँ पे लोग बोलते हैं, वहाँ पे आप जाते हैं घाट पे आपको मजा आता है सुनकर के, हंसी आती है और जो जो भी भाव आता है, तो वैसे हमने सोचा कि वैसे रखेंगे देख करके वही फील वाली चीज़। मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आए, काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा, तो गाली भी इसका एक अहम हिस्सा रही है, ये जरूरी था क्या, मतलब ऐसा मैं पूछ रहा हूँ सर, मैं इजाजत आपकी लेता हूँ। तो आप सड़क पे अगर निकल जाए तो रोजमर्रा के बोलचाल का हिस्सा तो है गाली, मतलब तो अगर हमें वो रियलिस्टिक दिखाना है तो वो डालना पड़ेगा, मतलब नहीं तो फिर वो लगेगा कि सैनिटाइज करके हम बोल रहे हैं, सेंसर अपनी तरफ से करके बोल रहे हैं जो रियल नहीं है। ये बात मैं कहूँगा, आप अगर टीवी देखते हैं अगर सीरियल्स देखते हैं तो आप उसमें कभी गालियाँ नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर आप वेब पे जाते हैं अगर आप रियल चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ गालियाँ हिस्सा बन जाती हैं ऑटोमेटिकली और हम लोग देते हैं, तो शायद नहीं वहाँ जो है ना, जैसे हम लोग पैकअप के बाद निकलते थे गली वली में से तो वहाँ कोई भी बात कर रहा है, अबे कहाँ हो बे भो, कब से यहाँ बैठे हैं,
तो वो आपको मतलब चलते चलते में ही आपको इतना जो है रस आ जाता है गानों में, और वहाँ वो उसको उसका कोई बुरा भी नहीं मानता, उनके लिए वो शब्द हैं, वो गाली नहीं है, उनके लिए वो शब्द हैं जिससे उनका इमोशन बाहर निकल रहा है। गुस्सा है तो उन्होंने कर दिया कुछ, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने लिटरली किसी को माँ बहन की गाली दे दी, संबोधन है, कह के बुलाते हैं तो भाई राम हो, वही है, ये बात है। पवन भाई एक बात बताइए, इतने सारे आई थिंक 70 के करीब लोकेशन थी, 70 प्लस लोकेशन थी, 70 प्लस लोकेशंस, और 70 प्लस लोकेशंस पे लगातार एज कैमरामैन मतलब एज डीओपी आप रहे, तो सबसे मुश्किल कौन सा सीन रहा ये मैं जानना चाहूंगा। कौन सा वो था, फोर्ट था, कहाँ का वो लोकेशन, चेत सिंह फोर्ट, चेत सिंह फोर्ट नहीं, जो रेप वाला सीक्वेंस हमने जहाँ, हाँ वो था रामनगर फोर्ट, और वो जहाँ हमने प्रोजेक्टर रूम बनाया, प्रोजेक्टर रूम बनाया जहाँ पे राम खिलावन विधायक का जो, क्योंकि वो चारों तरफ से कॉम्पैक्ट था, पैक था, और वहाँ पे काफी गर्मी, उस गर्मी के कंडीशन में शूट करना मतलब यहाँ तक कि हमने अपने शर्ट भी निकाल दिया था। हाँ वो एक जगह थी, मुझे लगता है कि वो 4-5 साल बाद तो खोला ही गया था वो वाला हिस्सा उस पैलेस का, और पूरे मकड़ी के जाले उनका, एक्चुअली वो गोदाम जैसी जगह थी, पर मुझे वो बहुत उसमें एक आर्ट जैसा था, हमको बहुत अच्छा लगा देख के कि यहाँ पे हो सकता है। फिर हमने प्रोजेक्टर्स कहीं और से मंगाए, वो 50 साल पुराना कोई सिनेमा हॉल था जो बंद था, तो उधर से प्रोजेक्टर्स आए, वहाँ पे उस लोकेशन को बनाया, वो लोकेशन अच्छी दिख रही थी स्क्रीन पे, लेकिन वहाँ और सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत थी, क्योंकि वो बंद थी, वहाँ पानी का कुछ नहीं था, वहाँ बहुत वेंटिलेशन नहीं था, छोटी सी जगह थी, कहीं भी हाथ मारो तो मिट्टी उड़ने लगती थी, तो वो और गर्मी का प्रकोप था, गर्मी सबसे ज़्यादा, मतलब 2 लाइन का भी डायलॉग है तो आर्टिस्ट के यहाँ से जो है ना पसीना निकला, तुम्हारे कितने सारे सीन शूट हुए थे वहाँ, तो मतलब वहाँ हम लोग इसी वजह से लंबे शॉट प्लान नहीं कर पाते थे, क्योंकि आर्टिस्ट के फेस पे बिल्कुल, तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल सीन लगा आपको। तो राजेश भाई आपके लिए एज एडिटर आप सबसे मुश्किल सीन कौन सा लगा, और सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन कौन सा लगा? एज एन मुश्किल सीन तो ऑलमोस्ट काफ़ी मुश्किल सीन्स थे एज एन एडिट के मुकाबले, जैसे स्पेशली ये था कि एक नाव के बीच में जो मर्डर होता है वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। फिर इमोशनल रेप वाला सीन, रेप लड़की के रेप वाला सीन था, उसमें हमारी भी मंशा थी, शूट भी वैसे किया गया था, और पांडे जी का भी कुछ क्लियर कट ये था कि जो हमारी बात हुई राजेश पांडे से, तो मैंने यही बोला था इनको कि भाई पांडे जी इसकी एडिट आप ऐसे करो कि ये रेप वाला प्रसंग है ना लोगों को गाली जैसा लगे, मतलब उसमें कहीं भी किसी का दिमाग दूसरी तरफ जाए नहीं कि लड़की का ये हिस्सा दिख रहा है कि ये, तो हमने अवॉइड किया उसमें, उसमें हमने सिर्फ इस सिर्फ उस लड़की के पेन की तरफ ध्यान दिया था कि ताकि इस समाज में जो हो रहा है उस चीज़ों से लोगों को समझ में आए कि एक लड़की के ऊपर क्या गुजरती है, और दूसरी चीज़ जो इमोशनल जो था, इमोशनल में ऐसे काफ़ी सीन्स थे, जैसे कि उस लड़की का जो पेन था जो बाप के साथ उसके सीन थे, और जिस हिसाब से उसका अकेलापन था वो चीज़ पेनफुल था, वो इमोशनल सीन काफ़ी थे सीरीज में। भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने तो लिखा है सर के साथ मिलके, और डेफिनेटली एक राइटर के लिए हर सीन उसका बहुत प्यारा होता है, वो बच्चे की तरह उसको सहेजता है, बड़ा करता है, लेकिन कोई एक ऐसा सीन होता है जो लगता है यार ये मेरे दिल के बड़ा करीब है, तो वो ऐसा वो कौन सा सीन था? मंगेश और पुनीता का एक सीन है जो कि हम लोग काफी समय भी लगा था उसको क्रैक कर रहे हैं, जिसमें कि पहली बार उसको इजहार कर रहा है, और हम लोग ये कि आई लव यू बोलना तो मतलब एक तो फिल्मी तरीका भी और बहुत बार लोग कोई बोल सकता है, सो बिना आई लव यू बोले या हम तुमसे प्यार करते हैं ऐसा बोले उसको अपने प्यार का इजहार करना, तो वो काफ़ी प्यारा सा सीन है और मेरे ख्याल से काफ़ी इमोशनल सीन भी है, तो वो लिखने में काफ़ी समय लगा। और सर आपके लिए आपके मैंने पहले भी पूछा था आपसे, लेकिन फिर भी वो कोई ऐसा सीन जो जो दिल के करीब, सीन तो अभी कहानी के हिसाब से जैसे जैसे फ्लो होता है हर सीन ही दिल के करीब हो जाता है जब आप शूट करते हैं, तो एज डायरेक्टर मैं तो बहुत ही मतलब शूटिंग से पहले भी उसमें लेखन से ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो सब चीज़ें देखने लगती हैं, और तो मुझे तो हर सीन से मोह है, और अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसे इन्फॉर्मेटिव सीन नहीं है, सारे सीन ड्रामे वाले सीन हैं, सारे सीन कहानी को आगे बढ़ाने वाले सीन हैं, सारे सीन को देखने के बाद आगे के लिए सवाल खड़े हो जाते हैं, इंटरेस्ट पैदा हो जाता है,
तो मुझे तो लगभग सारी सीन, लेकिन एज डायरेक्टर अगर शूट करने की बात करें तो मुझे जो सबसे टफ सीन लगा एज डायरेक्टर शूट करने का, तो वो था वो लंगड़ा महतो की किलिंग, जो बीच गंगा में बोट में, और हमने 2 दिन में वो शूट किया, और उसमें वरुण कश्यप ने बहुत, उनको काफ़ी तकलीफें हुई वो सीन शूट करते टाइम, क्योंकि उसमें ब्लड डालते थे आर्टिफिशियल, और वो बोट में बहुत सारे कॉकरोचेस थे, तो पता लगा कि 100-150 कॉकरोच बेचारे इधर आ रहे हैं उधर, उनको हटाना होता है थोड़ा, मतलब वो तकलीफ के अलावा भी कि एक रॉ और रस्टिक और बिल्कुल रियलिस्टिक और बिलीवेबल फ्लेवर देना किसी मर्डर को, एक्शन आप कर रहे हो और लोगों को लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, बढ़ई के औजारों से कोई किसी को मार सकता है, ऐसा प्रयोग आज तक कभी नहीं हुआ सिनेमा में, मैंने कभी नहीं देखा था है जो हमने ये किया है, ऐसा सोचा कि बढ़ई के औजारों से वो किसी को मारेगा, तो वो सीन थोड़ा टफ था मेरे लिए। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कमाल हो गया, और ऐसा लगता है कि मतलब 10वें एपिसोड पे कि आगे क्या, तो लोगों के जहन में एक बात चल रही कि सीजन 2 कब तो इसका भी मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारे अंदर भी तो कुछ चल रहा है भाई। हमने ये सीरीज बनाई थी अपलॉस के लिए, अरविंद बब्बल प्रोडक्शंस और इलियो मोशन, 2 कंपनियों ने मिलकर हमने अपलॉस के लिए बनाई, और अभी इसका अगले सीजन का जो भी निर्णय होगा वो हमको अपलॉस से ही मालूम पड़ेगा, जैसी तारीफें हो रही हैं सीरीज की और जितना पसंद कर रहे हैं, हम सबको उम्मीद है कि इसका जल्दी सीजन 2 देखने को मिलेगा आप लोगों को। मैं हम लोग सब चाहते हैं सर सीजन 2 आए, और क्योंकि एंड आप पे ही खत्म हुआ तो एंड आपको ही पकड़ के लेके जा रहे हैं, आगे की सीजन आपसे ही शुरू होगी, हमें भी पता है। देखिए राजेश जी, मैं एक बात कहूंगा आपको, जो भी अगर मैं एंड में रह भी गया या जो भी रहा होगा, लेकिन जो भी आगे की कहानी होगी वो तो राइटर ही लिखते हैं, तो मैं तो कुछ बोलू वाली इस मामले में मैं तो सोचिए मतलब जो भी एक्टर्स हैं वो कितना जुड़े हुए हैं, और इनफैक्ट वो माहौल बड़ा प्यारा था जब हम लोग बनारस में थे, तो जो किरदार खत्म हो गए वो भी चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वापस जुड़ जाएं, ये तो सर ये इसका क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि आपने इस ऐसी चीज गढ़ी है जिसके लिए सब जो मरे हुए हैं वो भी जिंदा होने के कगार पे खड़े हैं। नहीं नहीं, वो तो पूरी टीम हमारी ऐसी थी, हम लोग महीना सवा महीना एक साथ रहे, और उसमें जो बॉन्डिंग परिवार की तरह एक जो प्रेम हो गया था ना शूटिंग के अलावा का, जो एक संबंध बना इतने सारे लोगों से, वो जो है ना वो कभी नहीं मरेगा, और वो उस प्रेम स्नेह की वजह से बार बार वो चाहते हैं जुड़ना, और मैं मतलब इसमें नहीं तो किसी और कार्यक्रम में मैं चाहूंगा कि सब लोग जुड़े दोबारा। तो उम्मीद रखो भाई, जो मर गए हैं वो अगले कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे वापस जुड़ेंगे, वापस काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सर कुछ और कहना चाहेंगे आप लोग? मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें तो प्लीज आप कहें। बबन जी आपसे शुरुआत करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? सब खत्म, माधुरी टॉकीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलना। नहीं नहीं, इतना सारा है वही काफी है। क्या बात है राजेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ दर्शकों से कि माधुरी टॉकीज़ देखिए, वो बहुत अच्छी, समाज के लिए बहुत प्रेरित की हुई स्टोरी है, जिसमें औरतों के ऊपर जो अत्याचार, जो रेप, जो चीजें हो रही है, उससे लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरा है, तो जरूर देखिए, बहुत अच्छा सीरीज है, आपको पसंद आएगा। हाँ, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी नहीं देखी वो लोग देखें जल्दी जल्दी जा करके, क्योंकि मतलब बहुत जल्दी सीजन 2 आ जाएगा, फिर पाइलॉन हो जाएगा। इसलिए सर मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, और यही है कि हम बात कर रहे हैं इतनी माधुरी टॉकीज के बारे में, और अगर आपने नहीं अभी तक देखा तो सारी बातें आपको संदर्भ विहीन लगेंगी कि कौन सी टॉकीज, कौन सा सीन, कौन सा कैरेक्टर, इनसे क्यों बार बार बात हो रही है। तो मेरा आग्रह है आप सभी से कि MX प्लेयर डाउनलोड करें और माधुरी टॉकीज देखें, और फिर हमसे बताएं कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और मैं बता दूं कि MX प्लेयर जो है वो फ्री है भाई, पैसे वैसे देने नहीं है, हैं एकदम भोकाल मचा दो, मतलब घपा घप डाउनलोड कर लो, हैं और सबसे ऊपर दिखता है हमारा माधुरी टॉकीज, हैं चालू करो बे, लग जाओ काम पे, लग जाओ सब लोग, ठीक है अभी हम चलते, कुछ बहुत बहुत सारी बातें करनी सर से, अलग अकेले बात करनी है इनसे, रिक्वेस्ट करनी है अगले के लिए। वेल थैंक यू सो मच, सब लोगों को बहुत बहुत प्यार, और प्लीज़
प्लीज प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, आप देखें मादरी टॉकीज़, हम सबको प्यार दें। जितने भी लोग हैं सब ने बहुत मेहनत की है, एक्टर्स ने, जितने भी टेक्नीशियंस ने, सब ने, और बस प्यार बनाए रखें। नमस्ते, थैंक यू।